नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमेशा जब भी हम रूफ़ लगाते हैं तो फिर कभी कभी जब भी वो रूफ़ का ऊपर का जो पानी गिरता है वो कभी हो सकता है कि जहाँ से आप चलते जाते हो आपके घर के फ्रंट में, तो फिर होता है कि वहाँ से पानी हमेशा गिरता रहता है, तो फिर जाने आने में दिक्कत होती है, या फिर और काफ़ी जगह पे ऐसे घर पे जहाँ पे पानी गिरता है वहाँ से दिक्कत हो सकती है, या फिर हो सकता है कि आप के घर पे जितना भी पानी गिरने वाला है उसका आप रेन हार्वेस्टिंग करने वाले हैं, इसके लिए गटर लगाई जाती है। लेकिन गटर जब भी लगाते हैं तो फिर होता है कि उसमें जो डाउन स्पॉट आते हैं, जो नीचे लिए गए पाइप होते हैं, वो दिखने में इतने अच्छे नहीं दिखते हैं, थोड़ा सा शाबी दिखते हैं। ओके, तो फिर उसके लिए एक सबसे बढ़िया ऑप्शन ये रहता है कि हम उसमें चैन डाउन स्पॉट लगे। मतलब क्या है कि उसमें से हम चैन छोड़ सकते हैं जो कि जितना भी ऊपर से आने वाला पानी है उसको लग के नीचे तक आ जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैं अभी जा रहा था, फिर एक एग्जीबिशन सेंटर पे वैसे कुछ लगा हुआ है, मैं आपको जाके वहाँ पे दिखा देता हूँ कि उन्होंने वो कैसे किया है और वो वर्क कैसे करता है। ये देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बढ़िया और बहुत खूबसूरत तरीके से ये जो चेन है, छोटी छोटी चेन है, वो डाउन स्पॉट के चारों तरफ लगाई गई है राउंड में, और ये देखिए नीचे तक काफ़ी बढ़िया और बहुत खूबसूरत हुआ ही, आप देख सकते हैं। यहाँ पे कोई डाउन स्पॉट लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये देख सकते हैं। जब भी बारिश आएगी तो फिर पानी जो भी डाउन स्पॉट से आने वाला है वो चैन को लग के आएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था चैन डाउन स्पॉट के बारे में। आपको कैसा लगा है आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और साथ में चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। मैं संतोष पाटिल, संतोष रूपिंग के यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद फ्रेंड्स।